हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास थर्ड का लेसन सेकंड की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमें अंतर बताना है जीवित वस्तुओं में और निर्जीव वस्तुओं में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे हम लाइन खींच लेंगे लिविंग थिंग्स की अलग और नॉन लिविंग थिंग्स की अलग और बीच में एक लाइन, ठीक है। अब हम इसके लिखेंगे लिविंग थिंग्स में है नंबर वन में ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं जीवित होते हैं और जीवित जो चीजें होती है वो निरंतर बढ़ती रहती हैं। अब है नॉन लिविंग थिंग्स में ही सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा दे डू नॉट ग्रो। निर्जीव वस्तुएं कभी भी बढ़ती नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा दे डू नॉट ग्रो। हम इसका एक और एग्जांपल देंगे, एग्जांपल नंबर टू ऑल लिविंग थिंग्स need breathe। देखिए नंबर सेकंड है ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्रीथ। जो जीवित वस्तुएं होती है उनको सांस लेने की आवश्यकता होती है लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे दे डू नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं वो। तो हमें बताना है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या होती हैं, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। तो इसका आंसर ये है थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखिए थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वो वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें मैन मेड थिंग्स यानी कि मनुष्य निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देंगे, जैसे मैन मेड थिंग्स आर देखो मनुष्य द्वारा क्या क्या बनाए गए हैं, जैसे रोड, रोड मीन्स सड़क, ब्रिजेस, हाउसेस, व्हीकल्स,
एंड ईटीसी, यानी कि मनुष्य द्वारा हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, जैसे रोड मीन सड़क, ब्रिजेस, हाउसेस मकान, व्हीकल्स वाहन, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये दो क्वेश्चन खत्म होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इसी में आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, ऑल द थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक चीजें क्या हैं। पहले तो हम ये बताएंगे कि प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं। तो ऑल द थिंग्स गिवन टू अस, जो चीजें हमें बाय नेचर, नेचर द्वारा यानी प्रकृति द्वारा दी जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक चीजें कहते हैं। इसके भी हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे नेचुरल थिंग्स थिंग्स आर। अब नेचुरल थिंग्स कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सन, मून, स्टार्स। देखिए, प्राकृतिक चीजें हैं ह्यूमन बींग्स यानी कि हम मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सारे प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ये हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। 5 प्रकार देने हैं हमें जीवित वस्तुओं के। जीवित वस्तुएं क्या क्या होती है, उनमें क्या होता है, ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जीवित वस्तुएं होती है वो निरंतर बढ़ती रहती हैं। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। नंबर 2 है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। नंबर 2 है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जीवित वस्तुओं को आवश्यकता होती है भोजन की और पानी की। नंबर 3 है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। यानी कि जो भी जीवित वस्तुएं या जीवित लोग होते हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस लेना। एंड नंबर 4 इज, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो भी जीवित वस्तुएं होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं।
एंड नंबर फाइव इज नंबर फाइव इज लास्ट है ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट अपनी गतियों को दिखाते हैं निर्जीव जीवित वस्तुएं सॉरी जीवित वस्तुएं जो होती हैं अपनी गतिविधियों को दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट फिलअप है ऑल लिविंग थिंग्स डैश पेन यानी कि इस फिलअप में हम क्या भरेंगे जीवित वस्तुएं दर्द को क्या करती हैं महसूस करती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फील पेन। फील मींस होता है महसूस करना। ओके हमारा नेक्स्ट फिलअप है फिश डैश थ्रो गिल्स। मछलियां जो होती हैं गिल्स के द्वारा क्या करती हैं सांस लेती हैं। तो यहां पर आएगा फिश ब्रीथ थ्रो गिल्स। ओके आगे चलते हैं फिलअप थ्री एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय डैश और बाय डैश यानी कि जो जानवर होते हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं। वो प्रजनन करते हैं लेइंग एग्स यानी कि जानवर अंडे भी देते हैं और जानवरों को भी जन्म देते हैं एंड एनिमल्स। ठीक है फिलअप नंबर फोर है और जिराफ इज ए थिंग। तो जिराफ कौन सा थिंग है लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो जिराफ एक लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो सांस लेता है। नेक्स्ट फिलअप इज फाइव अ चेयर इज ए डैश थिंग। चेयर यानी कि मेज कुर्सी सॉरी कुर्सी क्या है कुर्सी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहां पर आएगा A chair is a non-living thing. हमारा next fill-up है fill-up number six the flowers of dash plant turn to face the sunlight. ऐसा फूल जिसका फेस हमेशा सूरज की तरफ होता है उस प्लांट को क्या कहते हैं वह प्लांट होता है सनफ्लावर। The flowers of sunflower plant turn to face the sunlight. यहाँ पे हमारे फिलअप खत्म होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन सही है उसमें टिक लगाना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स आर डैश। तो यहाँ पे हमारे थ्री आंसर दिए हैं मैन मेड थिंग्स नेचुरल थिंग्स अननेचुरल थिंग्स। तो ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं नेचुरल थिंग्स। तो हमारे यहाँ पे नेचुरल थिंग्स पे टिक आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कार बिल्डिंग फर्नीचर्स आर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल थिंग्स। तो कार बिल्डिंग फर्नीचर सांस नहीं लेती हैं इसलिए वो है नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बी पर हमारा टिक आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वेजिटेबल्स फूड एंड वाटर सनलाइट। इनमें से कौन सा आंसर सही है इनमें बी आंसर सही है फूड एंड वाटर यानी कि जीवित वस्तुओं को आवश्यकता होती है भोजन की और पानी की। हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश गैस टू ब्रीथ। जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो कौन सी गैस को ब्रीथ करती हैं ए नाइट्रोजन बी ऑक्सीजन या सी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा बी ऑप्शन आएगा बी ऑक्सीजन। ओके हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स फर्स्ट है फिश इंसेक्ट एंड बर्ड ले एग्स
फिश, इंसेक्ट और बर्ड्स क्या देती हैं? ये अंडे देती हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा ट्रू, ये सही है। सेकंड है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे जीवित वस्तुएं रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करती हैं। हाँ, वो प्रजनन करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये भी हमारा सही है, ट्रू। एंड लास्ट इज, ए क्रो गिव्स बर्थ टू बेबीज, क्या कौए बच्चों को जन्म देते हैं? ये फॉल्स है, कौए कभी बच्चों को जन्म नहीं देते, इसलिए यहाँ पे आएगा एफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्लास थर्ड का लेसन सेकंड के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे कराए हैं और थर्ड और फोर्थ बुक में भरवाए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में करेंगे और स्कूल में मुझे चेक कराएंगे। अगर इस लेसन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप, मेरा नंबर आपके पास है ही, और नहीं है तो मैं अभी यहाँ पर बोर्ड पे आपको लिख देती हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इस लेसन को आप लर्न करेंगे, अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में उतारेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस लेसन को एंजॉय कीजिए।